ड्रेस डिजाइनर ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बाजार से इस तरह की कोई ढीली ढाली टी शर्ट लेकर आ जाते हैं और आप उसे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से टाइट करना चाहते हैं, मतलब फिट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस टी शर्ट को देखिए। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इस टी शर्ट को फिट कर लिया है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। अब जैसे कि दोस्तों, आप बाजार से इस तरह की टी शर्ट लेकर आते हैं तो इसको फिट करने में काफी दिक्कत आती है, जैसे कि इस तरह के जो जोड़ होते हैं उस जोड़ को आप आसानी से नहीं मिला पाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस जोड़ को भी मिलाने का तरीका और इसको सही तरीके से फिट करने का तरीका। तो वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जैसा देख सकते हो, ये बहुत ही डबल एक्सल टी शर्ट है और मैं इसको एल साइज की बनाऊंगा। तो जैसे कि हमारे पास इस तरीके की ओवर साइज टी शर्ट होती है, तो हम उसको फिट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो ये साइडें, जैसे कि आप देख सकते हो, इन साइडों को हमें पूरे दोनों साइडों से खोल देना है। और अगर आपका इस साइड से अगर आपका तीरा ही बड़ा हुआ है तो आपको बाजू भी अलग करनी है। तो इसका तीरा भी मुझे छोटा करना है और इसमें मुझे फिटिंग भी लगानी है। तो दोनों साइडों से मैं इसको खोल के बाजू को अलग कर लेता हूँ। तो आप कैंची की मदद से इसको साइडों से, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ से इसको खोल लेंगे इस तरीके से। जैसे कि मैंने एक साइड खोल ली है, अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से खोल लेता हूँ। तो मैंने इसको साइडों से खोल लिया है। तो साइडों से खोलने के बाद ही हमारा थोड़ा इस तरीके से हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हो, इसका मुझे तीरा भी छोटा करना है। तो तीरा छोटा करेंगे तो हम इसकी बाजू को भी अलग करना पड़ेगा। तो ये जो है, इस तरीके से आप फिनिशिंग के साथ इसको अच्छे से कट कर लीजिए। इस तरीके से हमें दोनों बाजुओं को अलग अलग निकाल लेना है। तो मैंने इन दोनों बाजुओं को अलग करके और साइडों से भी खोल लिया है। तो अब मुझे क्या करना है, टी शर्ट को हमें उल्टा इस तरीके से उल्टे कर लेना है, क्योंकि हम इसमें निशान लगाएंगे तो हमें टी शर्ट्स को उल्टा करना पड़ेगा। तो इन बाजुओं को भी साइड को रख देते हैं। पहले हम इसका मेजरमेंट लेके इसको फिट करते हैं। तो इसको अच्छे से आप हाथ से पहले सेट कर लीजिए, और सेट करने के बाद इसका बिल्कुल बीच सेंटर लेके इस तरीके से आप इसको टी शर्ट्स को फोल्ड कर लें। तो मैंने इसको टी शर्ट्स को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और ये हमारा फ्रंट बैक दोनों जुड़ा हुआ है। कंधी से हमें यहाँ से कोई खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारी ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है। तो हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी लंबाई का निशान देख लेते हैं, हमें लंबाई इसकी कितनी रखनी है। तो इसकी टोटल जो लंबाई है वो 32.5 है। तो मुझे इतनी लंबाई नहीं चाहिए, मुझे इसकी लंबाई चाहिए छोटी। तो मैं इंची टेप को इस तरीके से ऊपर करके जितनी मुझे लंबाई रखनी है इसकी 29, तो 29 पर मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ सीधा, और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देते हैं। इस लाइन को हमने स्ट्रेट कर दिया है। तो ये हमारी कंप्लीट लंबाई जो है 29 है। तो इसमें तकरीबन हम फोल्ड के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा कर देते हैं, आधा से एक इंच। तो मैं इसको एक इंच आगे और करके ये हमारा फोल्डिंग वाला हो जाएगा कपड़ा। जितना मुझे फोल्डिंग करना है ये हमारा फोल्डिंग का हो गया। तो अब हम इसका तीरे का निशान लगाते हैं, जितना हमें इसका तीरा चाहिए। तो कॉलर को इस तरीके से करते हुए इंची टेप को रखते हैं और मैं इसका तीरे का निशान यहाँ पर लगाता हूँ 9, क्योंकि मुझे 17 चाहिए तो मैंने आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लिया है। तो ये हमारा आ गया 9 पे मैंने तीरे का निशान लगा दिया। आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हो। तो और यहाँ से इसका आर्मोल जो रखना है वो रखूँगा मैं इसका आर्मोल 9.5 इंच, क्योंकि इसका आर्मोल हमें बड़ा चाहिए। तो यहाँ से हम इसका आर्मोल का निशान लगा देते हैं 9.5, और इस लाइन को इस तरीके से हम स्ट्रेट कर देते हैं। तो यहाँ से जितना कि हमने 9 पे निशान लगाया था, तो यहाँ से भी हम 9.5 कर देंगे, यहाँ से थोड़ा हम एक्स्ट्रा कर देंगे। तो इसको इस तरीके से लेके हम मिला देंगे। तो अब हमें इसका चेस्ट जो है ये भी कम करना है। तो हम इसका चेस्ट का कम करने के लिए निशान लगा लेते हैं। तो मुझे इसका जो टोटल चाहिए 21 इंच कंप्लीट चाहिए। तो 21 में मैं आधा इंच जब प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 11। तो 11 पे हम इस पे निशान यहाँ पे लगा देते हैं। तो 11 पे हमने निशान लगा दिया है। तो नीचे भी हम हिप पे भी 11 ही निशान लगाएंगे, और कमर का जो हम निशान लगाएंगे वो भी हम सेम ही लगाएंगे, क्योंकि टी शर्ट हमें लूज ही पहननी चाहिए, फिटिंग में टी शर्ट अच्छी नहीं लगती है। तो ये हमारा मेजरमेंट इस तरीके से हो गया, और इसमें हमारा एक्स्ट्रा वाला मार्जिन भी आ चुका है, क्योंकि इसमें हम एक एक पैर का मार्जिन लेंगे, ज्यादा नहीं। और यहाँ से इस तरीके से इसको आगे से हम शेप दे देंगे। तो ये हमारा आर्मोल का आ गया और ये हमारा कटिंग का। तो अब यहाँ से जो नीचे वाली लाइन है, यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कट कर लेते हैं, और ये जो लाइन हमने करी है इसी को हम कट कर लेते हैं, क्योंकि इसी में हमारा एक्स्ट्रा वाला मार्जिन है। यहाँ से हमने इसको कट कर दिया है। अब ऊपर से ये जो तीरा हमें, तीरे को भी कम करना था यहाँ से, तो ये हमने तीरे को भी कम करके यहाँ से कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने तीरा भी कम कर लिया है, और जो हमें नीचे फोल्ड करना है यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड करके एक कट लगा देते हैं, जिससे कि हमें ध्यान रहे कि हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। तो ये हमारा इस तरीके से फिटिंग का, तो ये हमने निशान वगैरह लगा दिए हैं। अब इसके हम बाजू भी ले लेते हैं। ये हमारी दोनों बाजू हैं, तो बाजू को इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे, और इसको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इसका जो ये बीच सेंटर मिलाते हुए रख देंगे। और यहाँ से हम हल्का हल्का सा मार्जिन जो है सिर्फ वही कट करेंगे, ज़्यादा नहीं,
क्योंकि हमें बाजू में ज़्यादा मार्जिन नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हमने बाजू से ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया है। तो हम टी शर्ट को इस तरीके से इसका आर्म होल भी नाप के देख लेते हैं कि हमारा आर्म होल छोटा तो नहीं हो जाएगा। तो ये हमारा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बाजू को, दोनों बाजू को चढ़ा लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जैसे कि आप देख सकते हो इसमें एक बीच में एक गुलाबी कलर की हमारी पट्टी अटैच है, तो इस वाली आस्तीन में भी हमारी पट्टी लगी हुई है। तो हमें इस तरीके से स्टिच करना है कि पट्टी हमारे बिल्कुल सेम बराबर में ही आ जाए, जिससे कि हमारा डिज़ाइन नहीं बिगड़े। तो आपको क्या करना है, आपको सेफ्टी पिन ले लेनी है। तो सेफ्टी पिन जो है इसके बीचम बीच सेंटर में आपको लगा लेनी है दोनों बाजुओं में। ये जो हमारे गुलाबी कलर की पट्टी है इसके ऊपर ही हमें सेफ्टी पिन लगा लेनी है, जिससे कि हमारे बाजू बिल्कुल हमारे परफेक्टली सही आ पाए। तो इस बाजू को हम दोनों बाजुओं को चढ़ा लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने टी शर्ट्स को फिट कर लिया है। फिट करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो पहले जो टी शर्ट थी हमारी कितनी ज़्यादा लूज थी, और अब बिल्कुल फिटिंग लगा के परफेक्टली हमारी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो चुकी है। तो मैं इसमें आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। तो जैसे कि इसकी आप, मैं आपके बाजू दिखाता हूँ इसकी, ये चीज़ जैसे कि आप देख सकते हो बाजू इसके यहाँ पे, ये हमने बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से हमने पिनअप करा था। उसके बाद ही थोड़ी हमारा इस तरीके से, मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क आया, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ इतना हमारा बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हो बाजू में। आई होप आज की मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कॉमेंट करें, कॉमेंट करके बताएं कि सिंपल सी वीडियो आपको कैसी लगी।